हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, इस बेल को दबाइए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिले। आज बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड केक। तो हमें चाहिए मैदा 1 कप, दूध 1 कप, कस्टर्ड पाउडर, तेल, चीनी, टूटी फूटी विनीगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। एक बर्तन में तेल डाल देंगे और चीनी को डाल देंगे। चीनी पाउडर आप यूज करेंगे तो कम टाइम में तेल के साथ मिक्स हो जाएगा। अभी सूखा इंग्रेडिएंट्स ले जाएंगे। सूखा इंग्रेडिएंट्स को छन्नी में छान लेंगे। मैदा, कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक ले जाएंगे। छन्नी में अच्छे से छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध देके बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे वेनिला कस्टर्ड पाउडर यूज की हूँ तो वेनिला एसेंस की जरूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स होने के बाद विनेगर 1 चम्मच डालकर मिला देंगे। बैटर में थोड़ा टूटी फूटी डाल देंगे और बाद में ऊपर से भी टूटी फूटी डालेंगे। केक मोल्ड में ऑयल ग्रीस कर लेंगे। सूखा मैदा को कोटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर यूज कर सकते हैं। बैटर को केक मोल्ड में डाल देंगे। ऊपर से टूटी फूटी डाल देते हैं। एक केक मोल्ड माइक्रोवेव में बनाएंगे और दूसरी कढ़ाई में बनाएंगे। कढ़ाई को पहले से 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। कढ़ाई में केक को आधा घंटे के लिए बेक कर लेंगे। यहाँ पे माइक्रोवेव में भी केक बना चुकी हूँ। केक ठंडा होने के बाद डीमोल्ड कर लेते हैं। काट के दिखा देती हूँ। ऊपर से जितना केक सॉफ्ट है, अंदर से भी केक बहुत सॉफ्ट बना है। देखिए केक का कलर भी बहुत अच्छा आया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं टूटी फूटी आप घर पे कैसे बनाएंगे।